24 दिसंबर 1939 ये तारीख थी जब अमेरिका के इंडियाना में एक बच्चे का जन्म होता है। बचपन में आम बच्चों की तरह पला बढ़ा, लेकिन किसे पता था कि आने वाले वक्त में यही बच्चा डर और दहशत का दूसरा नाम बन जाएगा। तो चलिए आज क्राइम तक पर हम खतरनाक सीरियल किलर्स की कड़ी में डीन अर्नोल्ड कोरल की कहानी बताते हैं, जिसे दुनिया द कैंडी मैन के नाम से भी जानती है। डीन एक ऐसा सीरियल किलर जिसने एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बल्कि 27 लोगों को मौत के घाट उतारा था। शायद इसीलिए ही इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहा जाता है। बचपन में माँ बाप के बीच होने वाली लड़ाई कहीं ना कहीं डीन के दिमाग में हिंसा को जन्म देने के लिए घर बना रही थी। वक्त बीत रहा था और डीन चुपचाप अकेले रहने लगा, न कोई दोस्त न कोई साथी, बस अकेलापन। वक्त के साथ जैसे जैसे डीन बड़ा हुआ, अपने परिवार के साथ कैंडी के कारोबार में हाथ बटाने लगा। लेकिन करीब 25 साल की उम्र में डीन ने आर्मी ज्वाइन कर ली और वहां उसे पता लगा कि वो समलैंगिक है। और कुछ समय वहां रहने के बाद उसने आर्मी छोड़कर फिर से अपने परिवार के कैंडी के कारोबार में आ गया। कहते हैं कि फौज को छोड़ने के बाद डीन कम उम्र के लड़कों के साथ वक्त गुजारने लगा, और जिनमें उसके दोस्त डेविड ब्रुक्स और एल्मर ब्याने हेल्ली भी शामिल थे। एक दिन एल्मर डीन से मिलने उसके घर पहुंचा तो उन्होंने डीन को दो लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया, और उसके इस रहस्य को छुपाने के लिए उन तीनों के बीच एक समझौता हुआ और फिर उन्हें एक कार गिफ्ट कर दी। मगर साल बीतने के साथ डीन का ये जुनून एक सनक बन गया और फिर उसने 1970 से 1973 के बीच मौत और हवस का खेल खेला, जिसमें उसने 27 लोगों को मौत के घाट उतारा। अपनी सनक और हवस को पूरा करने के लिए वो अपने दोनों दोस्त की मदद लेता था। ब्रुक्स और एल्मर उसे कम उम्र के लड़के लाकर देते और फिर ये उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया करता था, और अपने हर शिकार के बदले वो उन्हें $200 देता था। मगर बुराई का अंत बुरा होता है। डीन के वो दोस्त जो उसे कम उम्र के लड़के लाकर देते थे, ब्रुक्स और एल्मर में से एल्मर ने साल 1973 में एक दिन डीन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह हवस और सनक के चलते मासूमों को मौत के घाट उतारने वाले डीन की कहानी का भी अंत हो गया। सिर्फ एक नाम है जो दुनिया में बाकी है, और बाकी है द कैंडी मैन के खौफनाक किस्से। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।